हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू रॉ विलेज लाइव। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो ना एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। मैंने क्या क्या स्टफ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ली है अभी पिछले कुछ दिनों में, तो जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके मिनी रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो अभी जो मैं ये शीशा साफ कर रही थी, तो सफाई करते करते ना, तो ये जो है जो वाइप आप देख रहे हो वाइट कलर का, कॉलिन से मैं स्प्रे कर रही हूँ। तो ये जो है ना, ये बेको के ये हैं वाइप्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही थी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसका कवर वगैरह क्या है, कैसे हैं, कौन सा ब्रांड है। तो अभी फ़िलहाल मैं सफाई कर रही थी और फर्स्ट टाइम मैं इसको टेस्ट करी थी और ये बहुत अच्छे निकले। वैसे तो जनरली हम देखो या तो कपड़ा यूज़ कर लेते हैं कॉटन का या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर लेते हैं, तो मैं तो अभी तक यही यूज़ कर रही थी। आई डोंट नो आप लोग क्या यूज़ करते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे शीशे साफ़ करने के लिए। वैसे तो न्यूज़पेपर तो ओल्ड मेथड है, न्यूज़पेपर से तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं मिरर, पर न्यूज़पेपर्स नहीं यूज़ करने, वो भी चिपक जाते हैं, गीले हो जाते हैं, मैसी हो जाता है। तो ये जो है ना, ये इकोनॉमिकल वे है, आपको ज़्यादा पेपर वेस्ट भी नहीं होगा। और आप एक जो ये है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ, आप इसको 100 टाइम यूज़ कर सकते हो, धो के आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो और इससे बैड स्मेल भी नहीं आती है। जैसे कपड़ा आप करते हो कॉटन का तो उससे भी बहुत गंदी सी स्मेल आती है, और या माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी होगा उससे भी धोने के बाद स्मेल आ जाती है, पर इससे ये ऑडरलेस है, ऐसा इनका क्लेम है कंपनी का। अब ये देखिए, ये स्टिकर है, ये बहुत सालों से आई थिंक ये तो साफ़ ही नहीं किया है, क्योंकि ये जो स्टिकर होता है ना उससे जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, मार्क रह जाता है, तो वो है। ये देखते हैं रियल टेस्ट इसका होगा, अगर ये स्टिकर साफ़ हो गया तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। अगर तो स्टिकर भी साफ़ हो गया ना, देन तो इट्स वेरी गुड। मैंने थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लाइक मैं रगड़ रही हूँ इसको, तो काफ़ी रगड़ने के बाद आप देख सकते हो कि ये कम हो गया। तो ये जो है ना, ये बेको के रीयूजेबल किचन टॉवल्स है, वाइप वॉश रीयूज अप टू 100 टाइम्स, मेड फ्रॉम बैम्बू, ये बैम्बू से बने हैं, वाइप सॉल्ट स्पिल स्कैचेस 0% ओडर। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे स्मेल नहीं आएगी, और इसमें 20 वाइप्स आए थे। तो आप किसी भी सरफेस पे, मिरर तो वैसे इस पर नहीं लिखा था, बट मैंने मिरर भी साफ़ किया और बहुत अच्छे से हो गया था साफ। तो 20 शीट्स थी बेसिकली, इसमें शीट्स में आता है, ये एक ऐसे रोल होगा और उसमें शीट्स होंगी। तो अभी मैंने फर्स्ट शीट जो है इसके यूज़ की है, और एक ही शीट को आप 100 टाइम्स इन्होंने क्लेम किया है कि आप यूज़ कर सकते हो, धो के दोबारा आप इसको सुखा के फिर दोबारा यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, आप लोग भी इसे देख सकते हो, बेको सर्च कर सकते हो अमेज़ॉन पे और फिर इसको जो है यूज़ कर सकते हो गैस वगैरह क्लीन करने के लिए, जैसे शेल्फ़ क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने किचन में। ये देखिए ऐसा रोल होता है, आप इसे ओपन करोगे तो इसमें एक शीट होगी, उसको आप एक शीट को निकाल लीजिए और फिर इसे यूज़ कर लीजिए। और अब लगी मैं बाथरूम का मिरर भी क्लीन करने, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इससे अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये शेल्फ भी मैं वाइट शेल्फ भी इससे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ से करो तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, स्क्रैचेज़ आने का डर होता है। आप देखिए गंदा हो गया, ये जो मैंने रूम में जो था वो गोदरेज की अलमारी वाला जो मिरर साफ़ किया था। अब ये शेल्फ़ देखते हैं क्लीन करके कैसा रहता है। सो मैंने जो चीज़ें रिव्यू के लिए रखी थी वो अबू ने इस अमरटेक्स के लिफाफे में यहाँ पे इसने सारी पैक कर दी, लाइक मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी थी और इसने उठाई टेबल से और इसने यहाँ पे सब एक साथ डाल दिया। और अब मैंने इसको बिठाया यहाँ पे पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो, ही स्क्रिबलिंग, सो लेट्स सी कितनी देर चुप बैठते हैं। सो आई अगेन हैव टू टेक देम आउट और इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ इसी में से निकाल के आई विल शो यू गाइस। इधर दे दो इनको, मम्मा को दे दो, डॉक्टर देख रहे हैं, दे दो इनको, इधर इधर दे दो। गॉड, सो व्यूअर्स अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए यहाँ पे कौन है, तो अब अबू की छत्र छाया में वीडियो स्टार्ट होगी। तो मैं रैंडमली अब कोई भी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ मुझे कौन सा प्रोडक्ट पहले दिखाना था। सो चलिए
पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा, ये स्कल कैंडी के वायरलेस ईयरबड्स है। नो नो अबू स्टॉप, तो ये स्कल कैंडी के वायरलेस ईयरबड्स है, तो ये मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं, अच्छे हैं। लाइक आई थिंक ये कुछ 8,000 के आसपास जो इनका एमआरपी दिखा रहा था, बट मुझे ये सेल में मिले, आई थिंक 67% ऑफ पे मिले, 2600 के आसपास मिले। आप इसे अमेजोन पे चेक कर सकते हो। एंड ये ऐसे व्हाइट एंड ऑरेंज में जो है इसका कलर है, एंड ये आई थिंक 20 आवर्स चल जाते हैं, वंस चार्ज दे विल लास्ट यू अप टू 20 आवर्स। एंड ये देखिए काफी अच्छे हैं, मतलब मेरे लिए तो अब मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है अबाउट दीज गैजेट्स, तो ये है कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। लेने पड़े क्योंकि जो मेरे पहले वाले आप देख सकते हो ईयरफोन्स थे, ये देखिए अब उन्हें इनको अपने दांतों से काट लिया था, तो ये इनकी हालत है आप देख सकते हो, तो इसीलिए आई हैड टू बाय देम। तो मैंने ऐसे कैटेगराइज नहीं करूंगी, लाइक ब्यूटी गैजेट्स ईटेबल्स स्किन केयर सब कुछ मिक्स होगा इसमें। सो अबू इज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, आप लोग देख सकते हो ही सिटिंग क्वाइटली। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये ब्यूटी कैटेगरी से है, ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये बहुत अच्छा है गाइज, लाइक मैंने वैसे तो हाइलाइटर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, बट ये वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है। आपको बहुत, मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ, आपको बहुत टाइनी सा लेना होता है, ये देखिए ऐसा है ये, तो ये एक्चुअली मैंने भी बहुत आई थिंक 4-5 times यूज किया है, बट स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो दे देता है। और ये मैंने, मम्मा अभी एक मैरिज में गए थे, मैंने उनपे अप्लाई किया था, तो बहुत अच्छा ग्लो था, मतलब पूरी वेडिंग में उनपे बहुत अच्छा ग्लो रहा था। ये आप देख सकते हो ऐसे बहुत ही प्यारी सी शीन देता है और ग्लो दे देता है, लाइक आपकी स्किन को एकदम से बहुत ही प्यारा सा ग्लो दे देगा ये। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो ये ऐसे स्किन पे भी। वैसे तो कैमरा मेरा इतना अच्छा है नहीं, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी ना वो मैंने दूसरे कैमरा से बनाई थी, तो वो अच्छा था कैमरा, बट वो अभी मेरे पास है नहीं वो वाला फोन, तो ऑन एंड ऑफ आपको अच्छी वीडियोस विद गुड क्लैरिटी मिलेगी, और कभी कभी इस वाले फोन से मुझे करना पड़ेगा शूट, क्योंकि वो फोन मेरे पास ज्यादा रहता नहीं है। जब वो वाला फोन मेरे पास होगा तो मैं उससे शूट करूंगी, अदरवाइज मैं इसी से ही शूट करूंगी, तो आज मेरे पास वो नहीं है। आज वो वाला कैमरा होता तो बहुत अच्छी वीडियो बन जाती, बट आज वो नहीं है। सो ये देखिए अच्छा ये हाइलाइटर, मतलब ग्लो आपको अच्छा दे देगा, आप देख सकते हो इतने इजीली ब्लेंड हो गया, और आप शाइन देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है। आप डेली भी यूज कर सकते हो, आप डेली यूज करते हो हाइलाइटर, मेकअप रोज करते हो तो आप डेली भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज कभी कभी के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्लो देगा। लाइक फाउंडेशन लगाने से पहले आप हाइलाइटर यूज करते हो, या आप इसे एज फाउंडेशन के बाद भी यूज कर सकते हो फॉर हाइलाइटिंग। ऑलराइट, तो जो सेकंड प्रोडक्ट है ना वो भी स्विस ब्यूटी का ही कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लिए थे, बाय वन गेट वन अभी सेल थी, एक्चुअली स्विस ब्यूटी की अभी बाय वन गेट वन सेल चल रही थी, मैंने वहीं से ये प्रोडक्ट्स लिए थे, और सारे बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट वन, वो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा है वो प्रोडक्ट, बट ये तो बहुत अच्छे हैं। ये है बाम, सो ये एक्चुअली 2-in-1 प्रोडक्ट है, ये इस साइड पे आप देख सकते हो, ये है स्विस ब्यूटी का बाम, ये लिप बाम है, पिंक कलर का है, बट जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये क्लियर होगा, लाइक कोई इसमें टिंट नहीं देगा आपको। और जो बैक साइड पे है ना, दिस इज अ स्क्रब, आप देख सकते हो ये स्क्रब है इस साइड पे, लाइक आप इसको ओपन करोगे, ये है लिप परफेक्ट बाम एंड स्क्रब विद बीटरूट, ये डुओ है, तो आप देख सकते हो ये, तो ये देखिए ये स्क्रब है, इसको आप लिप्स को अपने ना लिप्स को एक्सफोलिएट करने के लिए इससे स्क्रब कर सकते हो, ये बहुत अच्छा स्क्रब है, तो ये डुओ बहुत अच्छा है, लाइक आप अपने लिप्स को स्क्रब करने के बाद फिर आपको अलग से बाम कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से इसके लाइक अपर साइड खोल के बाम यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, लाइक स्क्रब भी बहुत अच्छा है, बाम भी बहुत अच्छा है इंडिविजुअली। ऑलराइट, तो हमारा फोर्थ प्रोडक्ट जो मैंने अभी बाय किया है वो है ये, ये है आईलैश कर्लर, और ये मैंने नाइका से बाय किया है ब्रॉन्जन प्रोफेशनल, अभी नाइका पे सेल चल रही थी तो ये मैंने, मुझे एक आईलैश कर्लर लेना था और मैंने ले लिया, उप्स, ये बहुत अच्छा है गाइस, ये बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल रेट पे मुझे मिला।
ये जो प्रोडक्ट है ना गाइस, ये 199 रुपीज का था और ये मुझे 105 रुपीज का मिला है सेल पे। और ये आईलैश कर्लर है, लाइक आपको इसे अपनी आईज क्लोज करनी है और अपने आईलैश इसके बीच में प्लेस करनी है, एंड देन यू हैव टू कर्ल देम, ऐसे करके आप कर्ल कर सकते हो अपने आईलैश को। आईज पहले आपको आईलेट क्लोज करनी है, फिर आप इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब अपनी आईज ओपन कर दीजिए और देन यू कैन कर्ल योर लैशेज लाइक दिस। यस, ऐसे आपकी जो लैशेज है ना वो कर्ल हो जाएगी। देखिए, पहले अपनी आईलेट क्लोज करिए, फिर इसको ऐसे प्लेस करिए, देन ओपन योर आईलैश। एक्चुअली जो मेरी जो ऑडियंस है ना, बहुत ही मैच्योर, हम्बल एंड बहुत ही ज्यादा सोबर सी ऑडियंस है, आई नो। तो आई डोंट नो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी करते हो ना, तो भी आप ये चीजें ऑर्डर कर सकते हो। आप अपनी बेटी को कह सकते हो, अपनी डॉटर्स को कह सकते हो, अपने बेटे को कह सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी करते हो तो आप किसी को बोल सकते हो कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं ऑनलाइन, तो आप ये ले सकते हो। ये देखिए, ऐसे आप इसे अपनी आईलैशेस ऐसे कर्ल कर सकते हो, देन यू कैन ओपन योर आईज और फिर ऐसे कर्ल कर सकते हो। यस, अब इसी के साथ मैं आपको एक मिलता जुलता प्रोडक्ट दिखाती हूँ इसी से रिलेटेड। आई डोंट नो वो कहाँ है। मीनवाइल आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है। वापस रख दो इसको, इसी में रखो, वापस जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ है वो प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स कहाँ है, मतलब बाबू ने सारे प्रोडक्ट्स इधर उधर कर दिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये है वो प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ये है एल्फ कॉस्मेटिक्स का। ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का है क्लियर ब्राउ एंड लैश मस्कारा, ये आप देख सकते हो। तो एक साइड पे ये क्या है ना, ये मस्कारा है, बट ये जैसे आपने देखा होगा ब्लैक मस्कारा होते हैं, ये क्लियर मस्कारा है। मतलब इस पे कोई कलर नहीं है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो एक साइड पे, इस साइड पे आप इसको ओपन करोगे तो ये आपकी लैशेस के लिए, आई लैशेस के लिए है। और अगर आप इस साइड से इसको ओपन करोगे तो ये आपके आईब्रोज के लिए है। तो इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, ये आपकी लैशेस के लिए है बाय द वे। तो आप इसको ऐसे ना अपनी आई लैशेस को, जैसे आपने अपनी आई लैशेस कर्ल कर ली, अब आप इसको यूज कर सकते हो ताकि वो वैसे ही रहे। कैसा अप्लाई हो रहा है वीडियो पे, बट मैंने कर लिया। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? पंडित जी की गाड़ी का टायर फट गया। कहाँ पे फटा पंडित जी की गाड़ी का टायर? फट गया। अच्छा, ऐसा हुआ? ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऑलराइट, और ये ब्राउ वाला भी मैं, अच्छा नीचे बैठ गई, फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर क्या किया बेटा? अच्छा, फिर खड़ी उठ गई। ओके, तो आप अपने आईब्रोज को भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो इसको, ताकि वो सेट रहे। ये भी ब्यूटी कैटेगरी से ही है, ये प्रोडक्ट है वो। आई डोंट नो अब इसका दूसरा वाला पार्ट कहाँ है, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ से, ये मैंने नाइका से परचेज किया है। राइट, तो मुझे बताने के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे इसका आउटर पैकेज मिल चुका है। ये देखिए, ये ब्यूटी लिस्ट प्रोफेशनल आईब्रो एंड फेस रेजर पैक ऑफ थ्री है। ऑलराइट, तो ये 250 रुपीज का है, मुझे सेल पे मिला, आई थिंक 75 रुपीज का मिल गया था सेल पे। तो ये पैक ऑफ थ्री होता है, एक तो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ ये वाला, और आप देख सकते हो एक ही अनयूज्ड है, एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर में था, आई थिंक वो भी कहीं चला गया है। तो ये थ्री कलर्स थे इसमें, ये ब्लू वाला, ग्रीन एंड देन पिंक।
और ये काफी अच्छे हैं, शार्प रेजर्स हैं। अगर यू नो आपके थोड़े से आईब्रोज आ गए हैं, एक्स्ट्राज आ गए हैं या फिर अपर लिप्स आ गए हैं तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी स्विस ब्यूटी से है, वो है इनका 24/7 पासपोर्ट आई शेडो पैलेट। ये कुछ ऐसा दिखता है। आई शेडो पैलेट्स भी मैंने ज्यादा यूज नहीं किए हैं, बट ये वाला काफी अच्छा है, आप देख सकते हो मैंने काफी यूज किए हैं। ये तो अबू ने यहाँ मार्क दिया, ये शिमरी वाला मैंने यूज नहीं किया है। शिमरी वाले लाइक आप आई थिंक पार्टीज में ज्यादा यूज कर सकते हो, डेली में तो आप ये जो जैसे न्यूड कलर्स हैं ये यूज करोगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ चलो यूज करके। एक ये मैंने एक ब्रश लिया है, तो ये वाला मैं कलर ले लेती हूँ। लाइक आप डेली के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको ज्यादा हाईलाइट नहीं होना है और आपको सटल सा मेकअप करना है तो आई थिंक दे आर वेरी गुड। प्रोफेशनली मुझे नहीं पता ब्रशेस कैसे यूज करते हैं, बट एवरी डे के लिए ठीक है। सो आई अगेन डिग इन और यूज करूंगी मैं इसको दूसरे आई पे। लाइक आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना है ना रोज, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे कलर्स हैं, एक पिंक कलर भी है। हाँ बेटा, तो ये वाला कलर मैंने यूज किया है। हाँ जी, ये मम्मा की चीजी है, ये देख सकते हो कौन कौन से कलर्स है। ये है, ये पिंक वाला भी काफी अच्छा है, ये वाला भी है थोड़ा लाइट पिंक सा, डस्टी पिंक सा है। ये न्यूड कलर्स है और ये तो डार्क शेड आ गया और ये शिमरी शेड्स हैं। आपको थोड़ा सा मैं नो नीचे बैठो। ये देखिए ये जो पिंक सा शिमरी शेड है कितना प्यारा है ये। इसको मैं आपको इसका स्वॉच दे देती हूँ। ये देखिए तो काफी प्यारा कलर है, तो आप ले सकते हो एवरीडे के लिए अगर आपको ये लेना है। इसका जो प्राइस है 429 रुपीज है, बट ये मैंने बाय वन गेट वन पे लिया है। आई थिंक मैंने ये हाईलाइटर लिया था स्विस ब्यूटी का और इसके साथ मुझे ये पैलेट फ्री मिला था। यस गाइस, एक्चुअली मैंने ये वैसे तो ये जो ब्रशेज है ना ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की थी, क्योंकि काफी सारी ब्रशेज का पूरा सेट है जो मैंने अमेजोन से लिया था। ये काफी अच्छा है, मतलब मैं तो मेरे पास यही एक सेट है ब्रशेस का जो मैं यूज करती हूँ और ये काफी अच्छा है। अगर आपको इसका भी डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे बता देना। काफी ज्यादा चीप था, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, मैंने अमेजोन से बाय किया था क्योंकि डेली मेकअप नहीं यूज करना होता तो मैंने ज्यादा एक्सपेंसिव लिया नहीं था। जैसे ये वाला कंसीलर ब्रश है, ये वाला मैं आपको बता सकती हूँ, कंसीलर ब्रश है और ये मैं यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स और काफी अच्छे से इससे जो ब्लेंड हो जाता है कंसीलर। फिर ये जैसे जो ये यू नो क्या होता है क्रीज के लिए आप ये वाली ब्रश यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी वर्क करता है आई शेडो के लिए। एंड देन ये वाला तो मैंने अभी यूज करके आपको बताया आई शेडो के लिए, तो इससे ब्लेंड हो जाता है आई शेडो और अच्छा है ब्रश, सॉफ्ट है ब्रशेस। ये फाउंडेशन ब्रश है तो ये भी मैंने यूज किया है, ये भी अच्छा है ब्रश। और कौन सा मैंने यूज किया है, और एक इसके साथ ये यू नो आईब्रो ब्रश, आईब्रो सेटिंग ब्रश भी मिला था, ये भी मैंने यूज किया। आपको इसकी हालत देख के ही लग रहा होगा मैंने काफी यूज किया है ये, तो ये देखिए ये भी मैंने काफी यूज किया है। तो ये पूरा सेट था, इसमें बहुत सारे आई थिंक 11-12 ब्रशेस थे और बहुत अच्छी अच्छा सेट है ये। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये लिप लाइनर पेंसिल, स्विस ब्यूटी का है। ये भी है बोल्ड मैट लिप लाइनर, ये है 69 रुपीज का था ये और ये बहुत अच्छा है। ये जो शेड है ये है चोको न्यूड करके जो शेड है इसका, तो मैं आपको इसका स्वॉच ही दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है, अगर आपको लेना है ना कोई एक शेड तो आप ये ले सकते हो न्यूड शेड। ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा कलर है ये और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। देखिए कितनी बड़ी लिप लाइनर पेंसिल है और आप बहुत चल जाता है ये, अगर आपको लेना है कोई रीजनेबल से अमाउंट का तो ये देखिए ये है इसका शेड नंबर चोको न्यूड 03।
आई थिंक ये ईयरबड ज़्यादा लास्ट नहीं करने वाले, मुझे एक और नए लेने पड़ेंगे। He's busy. आई डोंट नो कितना लास्ट करेंगे ये। और ये आईलैश कर्लर भी। एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये। सारे प्रोडक्ट्स इधर उधर है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। ये है, ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है जो कि मैं यूज कर रही हूँ, और ये मेरा शेड है 03 है इसमें। ये है 229 रुपीज का, लाइट मॉइन करके है ये। तो आप ये ले सकते हो, काफी सॉफ्ट है और जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, काफी अच्छा है। नो 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 स्टॉप इट। अब वो मेरे ईयरफोन्स अपने दांतों से चबा रहा है, ये देखिए। ये है वो शेड 03, और देखिए कितनी जल्दी ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए ऐसे ब्लेंड हो जा रहा है और ये काफी अच्छा शेड है। स्टील का ये द ओएसिस स्किन रिपेयर क्रीम है, ये बहुत अच्छा है गाइस। अभी तो मैं एट प्रेजेंट यही यूज कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था। और आई थिंक मुझे हो गए हैं 15-20 डेज हो चुके हैं इसे यूज करते हुए, एंड आई हैव अ ड्राई स्किन टाइप, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये है 345 रुपीज का, 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट क्वान्टिटी आपको मिल जाती है, और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की है, 2023 से लेके 2025 तक आपको ये चल जाएगा। 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। ऑल राइट, सो अबू के हाथ में ये था जो मुझे रिव्यू करना था, ये नेक्स्ट है। अच्छा, अगर आपको इसमें मैं आपको कैसे दिखाऊं, लाइक अबू स्टॉप इट, इसको बंद कर दो। ये मेरा जो कंसीलर है ना, दे दो इसको, स्टॉप इट। अब आप लगे हो शरारत करने, चले जाओ नीचे जाओ। तो ये जो क्रीम है ना गाइस, इसकी जो खुशबू है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रांग स्मेल नहीं पसंद तो भी आप इसको ले सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत माइल्ड है, बट अच्छी है। और बहुत ही माइल्ड है बट मुझे तो अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे भी जो बहुत स्ट्रांग स्मेल्स होती है उनसे हेडेक हो जाता है, बट इससे नहीं होता है, ये अच्छी है। और थोड़ी सी थिक है क्रीम, लगा के ना मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, और अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, मतलब विंटर्स के लिए भी अच्छी है। और अच्छा जी, नहीं लगानी क्रीम। तो द ओएसिस स्किन रिपेयर क्रीम है ये फॉक्सटेल का, और फॉक्सटेल पे भी ऑफर्स चलते रहते हैं, बाय वन गेट वन। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का प्लम्प अप वेट ग्लॉस है ये। अगर आपको ना सटल सा, अभी मैंने ये अप्लाई किया हुआ वैसे अपने लिप्स पे, तो आपको 2 ml ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी 279 रुपीज में, और ये शेड है 03। इसका नाम है काइंडे काइंडर नेकेड, ये जो शेड है इसका काइंडर नेकेड है 03, और बहुत ही सटल सा। लाइक अभी मैंने बताया था ना मम्मा को, मैंने ये वाला मैरिज में गए थे तो ये वो भी मेकअप नहीं करते हैं, ये वाला हाईलाइटर लगाया था, और इसके साथ वो जैसे ज्यादा डार्क जो है ना, डार्क या फिर ज्यादा ब्राइट लिप शेड्स नहीं यूज करना चाहते, तो उनको मैंने ये अप्लाई किया था। इससे क्या होता है, आप प्रेजेंटेबल भी लगते हो, और काफी अच्छा सा जो है इसका, ये देखिए ये है इसका शीन, काफी अच्छा सा शीन है। न्यूड है इसका जो कलर है, थोड़ा सा टिंट जो है थोड़ा सा न्यूड है, देख सकते हो। और जो वॉन्ड है, वॉन्ड तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे से अप्लाई हो जाएगा आपके पूरे लिप्स पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये जो है स्विस ब्यूटी का काइंडर नेकेड ले सकते हो, और साथ ही साथ आप ये जो है चॉकोल्यूट ले सकते हो जो लिप लाइनर है, और ये दोनों आपका चल जाएगा, मतलब 1 ईयर तो आपका चल जाएगा आराम से। अगर आप रोज मेकअप नहीं करते हो, कभी कभी मेकअप करना है और आपको कोई न्यूड सा अच्छा सा लिप कॉम्बो चाहिए, तो आप ये ले सकते हो जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये डॉक्टर शेड्स का हल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड सनस्क्रीन, SPF 50+, PA++++। एंड आई थिंक इसके बारे में तो आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा क्योंकि बहुत फेमस सनस्क्रीन है, मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, और तब से मैंने ये लिया है और आई एम यूजिंग इट। बहुत अच्छा है, अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है, और आपको जो यूवी रेज है उनसे तो बचाएगा ही बचाएगा। तो 1% हाइलोरोनिक एसिड है, 1% टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है इसमें,
और ऑर्गेनिक एंड मिनरल फिल्टर्स है। सो आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी। हाँ जी बेटू, देख सकते हो आप मैंने कितना यूज कर लिया है, इसमें जस्ट इतना सा रह गया है। बस चलते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा जी, तो वो है ये जो पिलग्रिम का 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA पीलिंग सॉल्यूशन है। ये क्या है? ये मास्क है। हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ। तो अब वो बहुत देर हो गई, आई थिंक इसकी पेशेंस लेवल चेक हो रही है। एनीवेज आपको ये 50 ml ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है 645 रुपीज में। ये भी मैंने पिलग्रिम से लिया, और इसके भी काफी ऑफर होते हैं पिलग्रिम में, बाय वन गेट वन या फिर 899 पे थ्री प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। तो वैसे तो आपको ये सिंगल प्रोडक्ट 645 का मिलेगा 50 ml। हाँ जी, गाड़ी ले लो, लो लो गाड़ी। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, बट मेरे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट एनीवेज अब वो नहीं बेटे, शोर मत करो। तो ये क्या है ना, ये वर्क करता है गाइज, क्योंकि मैंने अपनी टैन स्किन पे इसको यूज किया है, और इसको यूज करने के बाद फेस पे बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस मुझे तो लगा था, साइकोलॉजिकली लग रहा था, बट था डिफरेंस। तो आप देख सकते हो ये ऐसे लिक्विड है, इसको ना आपको स्किन पे लगाना होता है। ये देखिए ऐसे, ये लिक्विड सा पिंक कलर का सॉल्यूशन है, इसको आप अपने स्किन पे लगा दीजिए, आई और लिप एरिया को अवॉइड करिए, मतलब बाकी स्किन पे, फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज पे, चिन पे लगा सकते हो, और 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है, उसके बाद आप इसको पानी से वॉश कर सकते हो। ये देखिए, ये ऐसा लिक्विड सा जेली जैसा इसका जो टेक्सचर है, जेली काइंड ऑफ टेक्सचर है, और इसको आप पूरे स्किन पे लगा के और फिर धो लीजिए, बहुत अच्छा है ये। अगर आपको फिजिकल स्क्रब नहीं यूज करने, केमिकल स्क्रब यूज करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। पर ऐसे मत लेना सिंगल, बाय वन गेट वन या कोई ऑफर होगा तभी लेना, अदरवाइज एक्सपेंसिव है ये। ऑल राइट, अब उसके बाद अगर आप 30 से अबव हो तो आपको रेटिनॉल यूज करना चाहिए वैसे तो। तो ये मिनिमलिस्ट का जो है रेटिनॉल है, फेस सीरम रिड्यूसेस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। तो गूगल पे पे मुझे कुछ ऑफर मिल रहा था, ये भी मैंने ऑफर पे लिया है। तो अगर मैं वैसे देखूं तो रेटिनॉल 0.3% है इसमें, बकोचियल ऑयल है, स्कॉलिन है, कोएंजाइम Q10 है, तो अच्छा है ये, मतलब काफी। आप इसको रात को अप्लाई करना है, यूज ओनली PM। तो ये जो रेटिनॉल होता है ना, इसको आपको रात को ही अप्लाई करना है, और उसके बाद अप्लाई करके सो जाना है, और मॉर्निंग पे सनस्क्रीन जरूर लगाना है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, एंड ये मिनिमलिस्ट का तो रेटिनॉल 0.3 बहुत अच्छा है, काफी हाइड्रेटिंग आपकी स्किन रहती है इससे। सो आई एम टायर्ड गाइज, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इतने सारे रिव्यूज देके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड अब एक लास्ट रिव्यू मैं दूंगी। हाँ, ये मैंने ना लिए थे, अब ये जो है डिच द गिल्ट से मैंने काफी सारे ईटेबल्स लिए हैं, बहुत सारे हैं, या तो मुझे इनका एक अलग वीडियो बनाना चाहिए वैसे तो, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ गाइस, बट चलो लास्ट में अब ये डिच द गिल्ट, ये ना शार्क टैंक पे भी आए थे आई थिंक, ये हेल्दी ईटेबल्स के लिए हैं, इनके जो ये स्नैक्स होते हैं काफी हेल्दी होते हैं। DTG डिच द गिल्ट ब्लूबेरी चीज केक है ये, जीरो शुगर एडेड है, इनका जो कहना है कि इसमें जीरो शुगर है, और 16 ग्राम प्रोटीन है इस ब्लूबेरी चीज केक में। सो ये मैं एक ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। वैसे तो मैंने इसके लिए मैं एक, और अबू ने ना मेरे पॉकेट से एक टॉफी निकाल ली है, दो इधर इसको दे दो, नो ये नहीं खानी, इधर दे दो, ही इज नॉट गिविंग इट बैक गाइज, तो ये मुझे वापस नहीं दे रहा है अब। एनीवेज जो इसका अमाउंट है ना गाइज, वो 180 रुपीज का है, और इस पे भी कुछ ऑफर ही चल रहा था आई थिंक, अभी पीछे उनका ऑफर चल रहा था, तब मैंने काफी सारे स्नैक्स इनके मंगवाए थे जस्ट टू चेक, क्योंकि हेल्दी है, इनमें शुगर भी नहीं है, एंड शुगर भी नहीं है, और आई थिंक इसमें लिखा है कि नेचुरली स्वीटेंड बाय मॉन्क फ्रूट, 60 ग्राम्स का ये जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी है। सो लेट्स ट्राई इट, प्रोटीन वाइट चॉकलेट है, एंड 180 रुपीज का है, मेड इन इंडिया है ये, तो आई थिंक हमें अपने जो मेड इन इंडिया ब्रांड्स इनको प्रमोट करना चाहिए। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, वे प्रोटीन, स्क्रम्पचस, टेस्टी स्टफ मैं वो चेक कर सकती हूँ अभी। ऑलराइट, तो इसमें लिखा है योर बार कंटेन्स हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, वे प्रोटीन, स्क्रम्पचस, टेस्टी स्टफ, चलिए देखते हैं। सो अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं जरा।
अभी मैं एक ही ट्राई करूंगी इस वीडियो में, बाकी जो इनके जो प्रोडक्ट्स है ना डिच द गिल्ट के, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे टेस्ट करूंगी। जब मुझे कभी भूख लगी होगी उस दिन ट्राई करूंगी। अभी मैं उतनी ज्यादा हंग्री नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी, हम लोगों ने अभी दोपहरी खाई थी। बट एनीवेज, ब्लूबेरी की बहुत अच्छी खुशबू है, मिल्की बार आती है ना वैसी वैसी है ये। तो ये ऐसे सिल्वर पैकेजिंग में है, गॉड ये ऐसा टूटा है तो आपका खा रहा। अपनी दवाई खा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी है गाइस, और अगर इसमें शुगर नहीं है ना तब तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको रखूंगी मैं वापस बाद में खाने के लिए, बट ये काफी टेस्टी है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।